हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे और उसी कुछ एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, आ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी नील पोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू जीरो, यानी कि ए के हम ये जो मैट्रिक्स है उसका के टाइम मल्टीप्लाई करें और वो जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है। और स्मॉलेस्ट के, क्योंकि और भी वैल्यू होंगे बट स्मॉलेस्ट के जो होगा वो कहलाता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यहाँ से आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं तो ए बराबर 0 0 1 0। तो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास नल पोटेंट मैट्रिक्स है। किस तरह से हम प्रूव करते हैं इसको, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं 0 0 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0, यहाँ पे भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0, इसका इधर किया तो 0 प्लस 0, यानी कि ये हमारे पास 0 प्लस 0 कॉलम मैट्रिक्स आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स है और इसकी इंडेक्स जो है वो 2 है। एग्जांपल सेकंड लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ए बराबर, हमने मैट्रिक्स लिया है -5 -3 2 15 -9 6 10 -6 4। तो फ्रेंड्स, कोई मैट्रिक्स होगा वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा अगर उसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी। तो कुछ कंडीशंस में, पहली कंडीशन में हम ये देख लेंगे, अगर हम उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का सम करें और वो 0 आ जाए तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर हम जैसे इसमें देखते हैं तो डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स का जो सम है वो 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स होगा 0 है तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर इसमें देखते हैं तो -9 -9 4, ये फिर 0 नहीं हो रहा तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम यहाँ 5 कर दें तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि नील पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। अब भी फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 तो हो रहा है, 5 -9 + 4 अब ये 0 होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम अगर 0 हो रहा हो तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स जो होगा नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बट नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एक नेसेसरी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नील पोटेंट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको देखते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर को 5 -3 2 15 -9 6 10 -6 4 और 5 -3 2 15 -9 6 10 -6 4। अब फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25, -3 इसका हुआ तो -45 और इसका इससे हुआ तो +10। और उसके बाद हमने देखा इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -15, इसका किया तो +27 और इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास -12। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, हमने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 और ये -18 + 8।
और अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सो सेकंड रो का हमने मल्टीप्लाई सेकंड फर्स्ट कॉलम से किया है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 45 प्लस सॉरी माइनस 9 इंटू 15 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 135, और उसके बाद 6 का हमने मल्टीप्लाई 10 से किया तो ये हो जाएगा प्लस 10, और इसका 15 का इससे किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। इस तरह से फर्स्ट सेकंड रो का हमने इस कॉलम से किया तो ये हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का 9, माइनस के 9 से किया तो प्लस 81, और ये 6 का 6 से किया तो प्लस 36, सॉरी माइनस 36 आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया है इसका थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 30, माइनस 9 का किया 6 तो माइनस 54, और ये हमने 6 से किया तो प्लस 24। उसके बाद इसका हमने इधर किया मल्टीप्लाई तो ये हो गया 50, माइनस 60, 50 माइनस 90 हो गया ये, माइनस 6 इंटू 50 और प्लस 40। उसके बाद इसका इधर किया हमने तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स माइनस 30 प्लस 54 प्लस 24। फिर हमने किया यहाँ पे इस कॉलम से थर्ड कॉलम से तो ये हो गया हमारे पास 20 माइनस 36 प्लस 16। अब फिर सभी का हम सम देखें तो सम जीरो आ रहा है, जीरो 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 जीरो, जो कि एक नल मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं जो ए मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास नल पोटेंट मैट्रिक्स है। अब फ्रेंड्स हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में है कि मैट्रिक्स फॉर्म में ए वन ए टू इस तरह चलते हुए और लास्ट में लास्ट का जो होगा माइनस ए वन माइनस ए टू डॉट डॉट माइनस ए एन माइनस वन, यानी यहाँ पे जो होगा ए एन माइनस वन होगा। इस तरह से ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन, और यहाँ पे फिर वही नंबर होगा वो ए माइनस ए वन माइनस ए टू डॉट 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 माइनस ए एन माइनस वन। इस तरह से ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन माइनस ए वन माइनस ए टू डॉट डॉट माइनस ए एन माइनस वन, इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा तो फ्रेंड्स वो भी हमारे पास नल पोटेंट मैट्रिक्स होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स एग्जांपल जैसे हम ए बराबर ले लें 5 6 माइनस 11, 5 6 माइनस 11, 5 6 माइनस 11, तो फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स होगा वो ये भी नल पोटेंट मैट्रिक्स होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर निकालते हैं पहले हम, तो हो जाएगा 5 6 माइनस 11, 5 6 माइनस 11, 5 6 माइनस 11, और ये 5 6 सॉरी 5 5 5 6 6 6 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 25, 5 का मल्टीप्लाई सभी से होगा तो ये हो गया 25 प्लस 30 माइनस 65, ये भी हमारे पास यही नंबर आएगा 25 प्लस 30 माइनस 65 सॉरी 55, ये भी होगा हमारे पास 25 प्लस 30 माइनस 55, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 36 माइनस 66, ये 30 प्लस 36 माइनस 66, 30 प्लस 36 माइनस 66, अब माइनस 11 वाले इस रो का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 55 माइनस 66 प्लस 121 माइनस 60 माइनस 55 माइनस 66 माइनस 121 माइनस 55 माइनस 66 माइनस 121। तो फिर इनका सम भी देखते हैं तो वो हमारे पास 0 0 आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स जो होगा ये भी नल पोटेंट मैट्रिक्स होगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं, एक और फॉर्म पढ़ते हैं नल पोटेंट मैट्रिक्स की, कि अगर इस फॉर्म में हो 2n+2 और बाकी टर्म जो होंगी वो 1 1 1 होंगी लास्ट तक,
उसके बाद सेकंड वो 2 1 n+2 और डॉट डॉट चलते हुए यहाँ पे लास्ट तक 1 ही होंगे। इस तरह से ये चलते हुए रहेंगे। लास्ट की जो टर्म होगी वो 2 2, सेकंड लास्ट जो टर्म होगी तो 2 1 1 चलते हुए यहाँ पे होगी n+2, और लास्ट का जो वो कॉलम होगा वो होगा हमारे पास 1 माइनस n माइनस n चलते हुए माइनस एन। अगर इस फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है हमारे पास तो वो मैट्रिक्स भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो उसे हम एग्जांपल लेते हैं। सिंपली हमने एक एग्जांपल ले लिया फ्रेंड्स, जैसे 2 2 माइनस 2, यानी हमने एन बराबर क्या लिया है, यहाँ पे हमने 3 लिया है फ्रेंड्स। तो एन बराबर 3 लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 माइनस 3 1 5 माइनस 3। तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स जो होगा वो भी नल पोटेंट मैट्रिक्स होगा। यहाँ प्रूव कर सकते हैं आराम से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फ्रेंड्स नल पोटेंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। तो नल पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास, अगर एन कोई ये नल पोटेंट मैट्रिक्स है, एन इज नल पोटेंट मैट्रिक्स, अगर एन कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होंगे वो उसका होगा एक्स आई माइनस एन कम वो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एन, जो कि हमारे पास सिंपली क्या होगा एक्स की पावर एन, यानी कितना एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो एन एक्स पावर एन आएगा। और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल वो कुछ एक्स पावर के होगा, के लेस देन इक्वल टू एन होगा। और साथ ही इसकी कुछ जो सारी आइगन वैल्यू होंगे, इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी तो वो लैम्डा आई इक्वल टू 0 4 i = 1 2 n, यानी इसकी सारी आइगन वैल्यू होंगी वो 0 होंगी। और साथ ही इसकी जो ट्रेस होती है, ट्रेस जो होगी वो भी इसकी 0 होगी। ये कुछ निलपोटेंट मैट्रिक्स कुछ डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि इस प्रॉपर्टीज़ को कोई मैट्रिक्स अगर इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स निलपोटेंट है या नहीं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स ये याद रखने वाली बात है हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ या ये दो प्रॉपर्टी कह सकते हैं, आइगन वैल्यू एंड ट्रेस, यानी आइगन वैल्यू उसकी सारी 0 है, ट्रेस है 0 है, या ये भी कह सकते हैं अगर ट्रेस क्या होता है, उसकी सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो सारे आइगन वैल्यूज अगर उसके 0 हैं हमारे पास तो हम चेक करेंगे कि कोई जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। अगर उसकी कोई भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है और डिटरमिनेंट 0 है तो उस कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, यानी उसको कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करें वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।